अब विटामिन ई शुरू करते हैं, ठीक है करें जी। हेमंत जी आप ही बताएंगे, ठीक है? तो फिर तो मेरे को इसमें समझाना पड़ेगा ना, फिर इसको इसमें स्ट्रक्चर, आप बीच बीच में समझाते रहेंगे, है ना? देखो जहां मैं शुरू करने लगती हूँ भैया बोलने लगता है जी बताएं, बता दे कोई बात नहीं। जो विटामिन ए होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। सॉरी विटामिन ई पढ़ रहे हैं हम तो, विटामिन ई पढ़ रहे हैं हम तो बेटा। हाँ वही तो कंफ्यूज ना है, मतलब बोल दिया करें कि मैम गलत बोल रहे हैं, ठीक है? हम तो विटामिन ई पढ़ रहे हैं। तो विटामिन ई क्या होता है आपके? फर्स्टली ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? ठीक है, और ये कितने किसका ग्रुप होते हैं? एट, ठीक है? फैट सॉल्युबल के एट ग्रुप्स का ए, वो सॉरी एट फैट, जो हमारे फैट्स होते हैं, जो वसा होते हैं, आठ तरह के उनका ग्रुप होता है ये, ठीक है? और ये जो हमारे इंक्लूड्स होते हैं किसमें? फोर टोकोफेरोल में, और फोर टोको फिरोल्स, और फोर टोको ट्रेनॉल्स, है ना? फोर टोको ट्रेनॉल्स, ठीक है? फोर तरह के हमारे ये हैं, फोर तरह के ये हैं, तो ये एट का ग्रुप हो गया हमारा, जो हमारे फैट्स होते हैं ये, ठीक है? एट टाइप ऑफ फैट्स हो गए, सॉरी है तो टू टाइप्स के, लेकिन फोर इसके होते हैं, फोर इसके होते हैं, तो एट का ग्रुप बन जाता है ये, ठीक है? जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है वो क्या होती है बताएं आप? आपको डेफिशिएंसी तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, हाँ हाँ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो यानी कि हमें इसको क्या करना चाहिए? इसको हाईली सोर्स में, इसको अपनी डाइटरी में यूज करना चाहिए ना, इसको हाई अमाउंट में लेना चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं इसकी, जैसे कि बोल रही हैं आप कि एनीमिया हो जाता है, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं आप? न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो जाती है, और इंटरमीडिएट्स हमारे बॉडी में जो हो जाते हैं, जैसे पेन वगैरह हो जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में, बोलते हैं ना मूड्स आ जाती है, वो सब चीजें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसकी वजह से क्रिएट हो जाती है वो, अगर हमारी बॉडी में किसकी, अगर इसकी जो है क्या बोलते हैं, ई की जो कमी कमी से हमारी बॉडी में काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है, वायरल डिजीज हो जाती है, ठीक है? वायरल डिजीज हो जाती है, वेरी गुड। और हमारे अगर हम बोले जैसे कि जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस वगैरह आता है, जो हमारी स्ट्रेस होती है, तो वो भी इसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से ही होता है, ठीक है? वो और किसी चीज से नहीं होता, वो विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उस वजह से हमारी स्ट्रेस वगैरह हमें रहने लगता है, डेफिशिएंसीज, मतलब इसकी काफी सारी डेफिशिएंसीज होती है, तो उनको सबको इसकी जो डेफिशिएंसीज होती है उनको, मतलब प्रिवेंट्स वगैरह क्या होते हैं इसके, जो प्रिवेंट्स हैं यानी कि जो हमारी बॉडी में इसको सोर्सेज लेने होते हैं हमें इसके, वो किसके किसके थ्रू लेने होते हैं? तो हमारे जैसे एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, ये हो गया मिल्क, एग, है ना? ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, ऐसा नहीं है इसके मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ नट्स भी होते हैं, नट्स में भी सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है आपका, ठीक है? मीट, ग्रीन लीफी, वही वेजिटेबल्स, तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा वेजिटेबल तो लेनी ही चाहिए उनमें जी, ठीक है? एटीसी कर देते हैं हम, ऐसे काफी सारी हो जाती हैं जो इसकी, ठीक है? मेन डेफिशिएंसी आप इसकी याद रखें, अनीमिया हो जाती है जो इसकी डेफिशिएंसीज हैं, और न्यूरोमस्कुलर तो है ही, जिसमें लॉस ऑफ मस्कल हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाती है विजन, स्पीच हो जाती है हमारी, ठीक है? और वही डिजीज जो हमने बोला ही आपको, क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज वगैरह, ठीक है? और इन सब चीज में, और क्या बोलते हैं, और क्या होता है इसमें, तो विटामिन ई में बस ज्यादातर तो यही सब चीज रहती है, मतलब जो दिक्कत होती है ऐसी रहती है।
आपको बोला ही मैंने कि क्या बोल रहे थे, अभी डिप्रेशन वगैरह जो हो जाता है वो भी इसी वजह से रहता है, स्ट्रेस वगैरह जाता है, ठीक है, जो डिप्रेशन वगैरह होते हैं। जी ठीक है, तो मतलब हाँ ऐसी इसमें काफी चीजें होती हैं विटामिन की वजह से, इसलिए बोलते हैं इनको, मतलब हमें मतलब काफी हाई अमाउंट में, इसलिए मतलब अगर आप विटामिन ए को भी अगर हाई अमाउंट में लेंगे तो भी आपके बॉडी में इसके नुकसान हो जाते हैं, तो इसलिए इसको भी ज्यादा हाई अमाउंट में आप नहीं ले सकते, इसको भी आप एक मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही आपको इसको लेना होता है। अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये किस क्या होता है, हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो जी है ना, तो इसको आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए, ठीक है, इसका ये भी चीज है, ठीक है। और वैसे तो आपको सारे ही विटामिन जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, उनको सब कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि अगर आप सन में बैठ रहे तो आप सोच रहे कि अगर उससे विटामिन डी मिल रहा है तो आप एक दिन में ही सारा विटामिन डी ले ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके और हम जो हमारी इफेक्ट, हाँ अगर हाँ इफेक्ट उसके हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसको अमाउंट में ले ले, ठीक है ठीक है। और तो विटामिन हमने कौन कौन से आज, फैट सोल्युबल के हमने कितने विटामिन पढ़ लिए भाई, विटामिन के फैट सोल्युबल कितने कितने फैट सोल्युबल है हमारे, ई डी और ए, आज हमने तीन विटामिन कर लिए, ठीक है। तो अब हमारे बचते हैं कौन कौन से, एक तो हमारे के बच गया और हमारे वाटर सोल्युबल बच गए, ठीक है, वो हम कल पढ़ लेंगे सारे, आपके कल कंप्लीट करा देंगे। कल मैं आपको उनमें स्ट्रक्चर भी बता दूंगी, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया ही नहीं ना, ठीक है, उनकी मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा दूंगी, आपको विटामिन बी की, विटामिन के की, विटामिन के की बतानी, विटामिन बी की और विटामिन बी में तो बहुत सारी है, वो एक भी नहीं आपको बताई मैंने, सिर्फ आप लोग बोल देते थे मैम नोट सेंड कर दो, मैं नोट सेंड कर दो, ठीक है, ये सब है, उनको हम कल पढ़ लें जो विटामिन बचते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है ना इसलिए एक बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हो जाए। तो विटामिन किसने डिस्कवर किए थे, फादर ऑफ विटामिन, फादर ऑफ विटामिन, हाँ विटामिन ए के, मैकुलम, ठीक है, विटामिन बी के भी मैकुलम ही है, विटामिन सी के, इसके लिए तो बोल मैं हाँ कि लिख ले या करें, हाँ ठीक है, विटामिन कैसे कंपाउंड्स हैं ये किस क्या करते हैं हमारी बॉडी में एज अ, मरम्मत में विटामिन, विटामिन नहीं करते बेटा, प्रोटीन करते हैं, हाँ मैंने बोला ना ऐसे न्यूट्रिएंट, हाँ न्यूट्रिएंट आपको बस आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन, हाँ क्या बोला था मैंने, क्या बोला था कि ये मरम्मत एज अ मरम्मत वर्क करते हैं, ऐसा बोला मैंने, मैंने बोला था कि वो प्रोटीन करते हैं, मैंने बोला था कि प्रोटीन आपकी बॉडी में ग्रोथ में, हाँ प्रोटीन में आपकी बॉडी में ग्रोथ, और अब जो हमारी बॉडी में मतलब कुछ भी चोट वगैरह हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मरम्मत हमारा कौन करता है, प्रोटीन करते हैं, मैंने ऐसे बोला था। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जी हाँ, तो मैंने वो मैंने एक एग्जाम्पल दिए थे इस तरीके से कि इस तरीके से विटामिन आपकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो आपको बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, वो एज अ पोषक तत्व आपकी बॉडी में आपको इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला था जी। और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, कितने कितने दो पार्ट्स में हुए, कौन कौन से फैट सॉल्युबल आपके कौन कौन से होते हैं,
और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन बी, जो विटामिन बी है वो कौन कौन से हैं? आप बस नाम बता दें, B1 B2 ऐसे ही बता दें। और जी, और सी कौन से होते हैं? सी का क्या नाम बताया? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए की क्या डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी, जो अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सी? ठीक है, और विटामिन डी का कहाँ, कौन सी सोर्सेस क्या है विटामिन ए की? विटामिन ए की मैंने ए की पूछी भैया, सुनो आराम से सुनो पहले। विटामिन ए सत्यम, कहाँ गए सत्यम? कुछ आप भी बोल दें, कुछ आंसर आप भी कर दे। विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्स बता दे इसकी, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स बता दी जल्दी से। चले बताएं। हाँ जी, सी की? नहीं आप ना बता, हम सिल्की से पूछ लेंगे, थक गए आप, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले आप, हम सिल्की से पूछ लेंगे, सिल्की आप ही बता दें। सिल्की से सुन ले जी, सिल्की बता दे। ठीक है, ये जो हम आपको लिखवा रखे हैं ये हाईली सोर्सेज होती हैं इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनसे अलग और सोर्स ही होंगे, और भी सोर्स होंगे, लेकिन जो हमने लिखी हुई है वो हाई अमाउंट में जो होती है वो लिखवाई हुई है। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि हाँ जो वो होंगी लेकिन इतनी ज्यादा में नहीं होंगी। ठीक है, ये ना सोचे कि मैम ने एक दो चीजें तो छोड़ी थी, मैम ने लिखवाया है नहीं, तो ये ना सोचें आप कि ये लिखवाया ये नहीं लिखवाया, तो वो जो हमने हाई सोर्स वाली है वो लिखवाई हुई है, एक दो चीजें अगर हमने छोड़ दी तो यानी कि आप सोचें उनमें होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता। ठीक है जी, हेमंत जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ होंगी लेकिन उनमें इतना नहीं होगा जितना हमें चाहिए। ठीक है, ओके, और बताएं, और क्या बताएं? रेटिनॉइड्स क्या होते हैं? रेटिनल्स क्या होते हैं? रेटिनॉइड्स क्या होते हैं भाई, किसकी फॉर्म में होते हैं ये हमारी बॉडी में? विटामिन ए की और रेटिनॉल किसकी फॉर्म में है ये? एल्डिहाइड में। हाँ ये एल्डिहाइड बोल रहे हैं, एल्डिहाइड कहाँ गया? हमने आपसे रेटिनॉल पूछा, हमने रेटिनल पूछा ही नहीं। हाँ जी, और रेटिनॉइक, रेटिनॉइक एसिड्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जो विटामिन ई है या विटामिन डी रह गया, पहले विटामिन डी बता दे। विटामिन डी
वैसे तो इसकी अदर फॉर्म्स जो हो गई आपकी, D1 की, D1 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, ऐसा नहीं है D1 D2, ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ D1 या D2 ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, स्किन में होता है, किसके विटामिन डी के थ्रू होता है, और जो मेन सोर्स हो गई इसकी वो कौन सी है? ठीक है, और जो विटामिन ए डी होते हैं ये कौन से सॉल्युबल होते हैं? फैट सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, और ये क्या कंटेन, स्टेरॉल में क्या कंटेन करते हैं? जो विटामिन डी होते हैं वो स्टेरॉल होते हैं ना, वो तो क्या कंटेन करते हैं? क्या कंटेन कर रहे हैं ये? स्टीरॉइड न्यूक्लियाई कंटेन कर रहे हैं। मुझे लगा जब आप आंसर कर रहे थे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है। और ये किसकी तरह फंक्शन, विटामिन डी जो होते हैं, ठीक है, स्टीरॉल्स होते हैं, और ये स्टीरॉइड न्यूक्लियाई में कंटेन होते हैं, और जो आपका विटामिन डी होता है ये फंक्शन करता है किसकी तरह? हॉर्मोन्स की तरह। ठीक है, किसके तरह वो करते हैं, ये फंक्शन करते हैं हॉर्मोन की तरह फंक्शन करते हैं, और जो एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू होते हैं? सनलाइट के थ्रू होते हैं, ये तो आपको पता ही चल रहा है। जिसके इसके फॉर्म्स आपने बताई दी, विटामिन डी टू होता है, D3 होता है, ठीक है। इसका एक आर्गो कैल्सिफोरल हो गया, एक कॉले कैल्सिफोरल हो गया। जो विटामिन टू होता है वो आर्गो कैल्सिफोरल होता है, विटामिन 3 होता है वो कैलो कैल्सिफोरल होता है, और जिसकी अदर फॉर्म्स और भी D1 D4 D5 है जी। जी हॉर्मोन्स की तरह ही फंक्शन करता है जी। ठीक है, जो आपके D1 होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो आपको एर्गो कॉल्सिफॉरल में मिलते हैं, और ठीक है, जो लोमिस्ट्रोल होता है इनका 1:1 होता है। जो D4 होते हैं ये किस में होते हैं? 22 डाईहाइड्रो एग्रो कॉल्सिफॉरल होते हैं। D5 जो होते हैं आपके साइटोकैल्सिफॉरल होते हैं, जो मेड फॉर्म 7 डीहाइड्रो आपके सिस्टेरॉइड से मिलते हैं आपको। ठीक है, सिस्टेरॉल, सिस्टेरॉल से मिलते हैं। ठीक है, जो इसकी सोर्सेज हो गई कौन कौन सी हैं? ठीक है, फंक्शंस आपने इसकी डेफिशिएंसी बताई थी, डेफिशिएंसी ठीक है, डेफिशिएंसी बता दे इसकी, जो आप 2 टाइप ऑफ डेफिशिएंसी बता रहे थे कौन कौन सी डेफिशिएंसी? एडल्ट्स में रिकेट्स में क्या हो जाता है बच्चों की, बॉन्स में, और ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या हो जाता है एडल्ट्स में? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? प्रिवेंशन वगैरह, और विटामिन ई जो, और विटामिन ई में क्या क्या होता है भाई? और कौन से होते हैं? ठीक है, फैट के ग्रुप होते हैं ये, 4 टाइप ऑफ टोकोफेरोल, 4 टाइप ऑफ टोकोफेरोल। सोर्सेज क्या होती हैं इसकी, सोर्सेज क्या होती हैं विटामिन? ठीक है, डेफिशिएंसी
अनीमिया। वायरल डिजीज। और जो ठीक है। और तो है ही नहीं कुछ, है ना? आपके सिर्फ फैट का बचा है, वो ही बहुत बड़े हैं। ठीक है, जो आपके बच्चे हैं, जो एक मिनट, क्या चीज? इंटरमीडिएट कौन से बोल रहे हैं आप? विटामिन ई? अच्छा। वॉक में ही पेन होगा, वॉक में ही तो होगा। हेमंत। हाँ बेटा, वो तो होगा ही ना, जब अगर उसमें मतलब वैसे भी वो तो नॉर्मली भी अगर आपके पैर में कुछ हो जाती है दिक्कत, तो अगर आप चलने के बाद बैठे तो हो जाती है ना, है ना? ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात आ गई ना। ठीक है, तो हमारे यानी कि तीन हमने आज कवर कर लिए। ठीक है, आपका ही रिवीजन हो गया, हमें कुछ बताना नहीं पड़ा, आप लोगों ने ही बताया। बहुत अच्छे से सपोर्ट किया आप लोगों ने, अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग करते ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे की भी आप भी थोड़ा बहुत पढ़े, फिर हम भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, तो इस तरह हमारा जल्दी कोर्स हो जाएगा। फिर हम सोच रहे हैं, कल मैं आपको सारे ही कवर करा दूंगी, जो आपके वाटर सॉल्युबल बचे हैं वो भी हम आपको कल करा देंगे। ठीक है, बी और सी। ठीक है, कल करा दे, कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे। फिर उसके बाद हमारे थोड़े से कोएंजाइम बचेगा, वो बता देंगे, उसके बाद हमारा प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि हमारा चल ही रहा है प्रोटीन, है ना? फिर एक लेक्चर में हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके 2 और 3 लेक्चर्स में हमारा पिछला भी कोर्स हो जाएगा और हमारा जो न्यू चल रहा है वो भी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ हम सोच रहे हैं कल कल हम फिनिश कर दें, तो प्लीज कल थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें और हम भी करेंगे, तो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कवर करने की कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में ही हमारा कवर हो जाए, हमें ज्यादा वो ना करना पड़े। ठीक है ना? ठीक है, तो अटेंडेंस बता दें। मोहम्मद अहमद, सिद्धांत सैनी, हेमंत, मोहम्मद अहमद, आप क्यों नहीं कुछ बताते? मोहम्मद अहमद अब नहीं बोलेंगे, वो बोलते ही नहीं है। हेमंत हो गए, आप मॉर्निंग में नहीं अटेंड की ना क्लास? कल 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 अटेंडेंस नहीं लगी हुई आपकी कल की? अच्छा ठीक है, विशांक त्यागी प्रेजेंट है? विशांक त्यागी, आप तो बता दिया करें कुछ। सत्यम कुमार, कुशल प्रताप, अच्छा काम में बिजी हैं। ठीक है, हेमा, हेमा भी नहीं आ रहे। कुशल प्रताप का तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना, कोई बात नहीं। अमानुला, अमान, मोहम्मद अंग्रेज, वो तो खैर इंजर्ड है। मोहम्मद मोनीश, सिल्की, सिल्की, ओके। सचिन सैनी, सिद्धार्थ सैनी, सॉरी सिद्धांत त्यागी, सिल्की आपका हो गया प्रेजेंट। सिद्धांत त्यागी, आदित्य सैनी, नॉट प्रेजेंट। शाहनवीर,
सागर कुमार, हिमांशु, अनुसरी, भाई नाम बता दो कौन कौन प्रेजेंट है। एक तो रोहित, रोहित शर्मा, ओके ये हो सकता है रोहित शर्मा, और कौन है? ठीक है रोहित शर्मा आपकी हो गई, और कौन है भाई? और बच्चों, विनय सैनी, विनय सैनी आपने कुछ बता दिया करो कभी, जरूर लेकिन कब। श्वेता मिश्रा, ओके श्वेता मिश्रा की हो गई, ठीक है। ज्यादातर आवाज ना मुझे लड़कियों की सुनाई देती है, बस एक श्वेता मिश्रा, एक सिल्की और हेमंत की, तीन में तीन हो गए बस आप ये लोग, बस इन तीन का ही सुनाई देता है मुझे, और किसी की मुझे कोई आवाज नहीं आती। सत्यम को हम जबरदस्ती खींच के लाते हैं कि सत्यम बता दो प्लीज, बता दो प्लीज, है ना सत्यम? हाँ और कौन है भाई सत्यम? उसके बाद सत्यम के बाद किसकी अटेंडेंस रह गई भाई? टोनी प्रताप, टोनी प्रताप अभी तो प्रेजेंट तो थे वो, सत्यम कुमार न्यू वाले। बेटा आप भी कुछ बता दे करो, पता तो चल जाए हमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, वो जो बात बताते हैं उनको समझ में आता है वो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। सौरभ पाल, जी किसी की अटेंडेंस रह गई? कोई ऐसा है जिसकी अटेंडेंस नहीं भूली? खुशहाल, 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 खुशहाल अहमद, ठीक है। ओके बच्चों फिर ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ कल 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 क्लास आपकी मॉर्निंग में ही होगी? अगर मैं, अगर आपकी क्लास कल मैं 10 बजे से पहला लेना चाहूं तो?